लोटस प्रेगनेंसी घर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पहली तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होने को सुरक्षित नहीं माना जाता है। हालांकि इस समस्या को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पहली तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ना या फिर ओवुलेशन। बहरहाल अगर बहुत ही कम स्पॉटिंग या ज्यादा समय तक ऐसा ना हो तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में लगातार स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हल्के में ना लें। यह सही नहीं है, यह मिसक्रेज का संकेत हो सकता है। सवाल है पहली तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग को हो तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में स्पॉटिंग का कारण। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सेक्स करना, संक्रमण होना, यूट्रस में एक का फर्टिलाइज होने की प्रक्रिया के दौरान हार्मोनल बदलाव और महिला की शरीर में हो रही दूसरी हलचल के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी पहली तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग मिसकैरेज का कारण भी होती है। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में मिसकैरेज का रिस्क अधिक रहता है, इसलिए इस कंडीशन को कभी कभी हल्के में ना लें। ध्यान रखें, कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी की वजह से भी पहली तिमाही में स्पॉटिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में स्पॉटिंग हो तो क्या करें। पहली तिमाही में अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो और कुछ देर में रुक जाए तो इसे लेकर के ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपको लंबे समय से स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जारी है तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने तक ज्यादा दौड़ भाग ना करें, पार्टनर के साथ सेक्स संबंध ना बनाएं और किसी भी तरह के बाहरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल योनि में ना करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग किस तरह की हो रही है इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि ब्लीडिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए इस संबंध में डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकता है। हालांकि इसी बीच आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, कंप्लीट रेस्ट करें, भारी सामान उठाने से बचें, खुद को डिहाइड्रेट ना होने दें। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में स्पॉटिंग होने पर कब जाएं डॉक्टर के पास। अगर आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के साथ साथ कई अन्य लक्षण भी नजर आ सकते हैं, दरअसल में ये ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो खतरे की ओर इशारा कर सकते हैं, जैसे स्पॉटिंग ना होकर के हैवी ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरिया में तेज दर्द होना, इसके अलावा चक्कर आना, बुखार होना, पीरियड से ज्यादा पेट में दर्द होना, पेट में ऐठन महसूस होना आदि। अगर इस प्रेगनेंसी से पहले कभी एबॉर्शन हो चुका है तो बेहतर है कि ये बताए गए कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपनी कंडीशन बताएं और सही ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर से कुछ भी आपको नहीं छुपाना है अगर आप अपने हेल्थ को सही करना चाहते हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।